हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन गुरुकुल। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक क्वेश्चन टैग पढ़ाने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। नाउ व्हाट इज़ क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग होता क्या है? इन नॉर्मल प्रैक्टिस वी ऑफन मेक अ स्टेटमेंट एंड देन आस्क फॉर अ कॉन्फर्मेशन और टू गेट समवन टू एग्री विद यू। जब हम किसी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब किसी व्यक्ति को कोई बात बोल देते हैं और हम चाहते हैं कि वो उस बात का कन्फर्मेशन दे, उसको हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अब जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो ये जब हमने बोला बाहर बारिश हो रही है तो सिर्फ एक स्टेटमेंट हो गया ना। अब उसके आगे अगर हम कोई वर्ड्स और जोड़ दें, क्या नहीं हो रही। अब जो हमने जोड़ा क्या नहीं हो रही, तो ये क्वेश्चन टैग बन गया, क्योंकि हमें पता है कि बाहर बारिश हो रही है लेकिन हम कन्फर्मेशन चाहते हैं नेक्स्ट बंदे का, अगले व्यक्ति का, कि वो बोले कि हाँ हो रही है। दैट इज़ क्वेश्चन टैग। अब जो क्वेश्चन टैग है उसका फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये तो सिर्फ सेंटेंस हो गया। अब सेंटेंस के आगे अगर कॉमा लगा के ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, प्लस सब्जेक्ट अगर हम आगे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो ये वाला पोर्शन है ये क्वेश्चन टैग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये क्वेश्चन टैग बन जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। अब यहाँ पर इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, रेनिंग आउटसाइड अदर वर्ड है। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। कॉमा लगाया पहले, देन इसका जो फॉर्मेट था वो क्या था? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि जो रेनिंग है वो अदर वर्ड में आ रहा है, एज वेल एज जो रेनिंग है वो मेन वर्ब है, तो हम मेन वर्ब को नहीं लेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करना है। तो जो इज है हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर आ गया इजंट, और जो इट है सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को लिख दिया, तो ये क्या बन गया? इजंट इट क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पर इजंट क्यों आया, नॉट क्यों जुड़ा, इसके रूल्स हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। सम बेसिक रूल ऑफ क्वेश्चन टैग, जो क्वेश्चन टैग के बेसिक रूल्स हैं वो क्या हैं? अगर क्वेश्चन टैग हमें गिवन है, अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है और अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव बोलते हैं, इफ़ द सेंटेंस इज पॉजिटिव देन द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। अगर हमारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो जो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर देखो, राम वर्क्स हार्ड। अब ये सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चल रहा है, ये सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ऑब्वियसली पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर नोट का यूज़ नहीं हुआ है। जब नोट का यूज़ होता है तब ये सेंटेंस नेगेटिव बनता है, लेकिन ये यहाँ पर कोई नोट का यूज़ नहीं है, दैट मीन्स जो ये सेंटेंस है ये पॉजिटिव है। अब जब पॉजिटिव है तो जो इसका क्वेश्चन टैग है वो कहाँ, क्या, कैसा बनेगा? वो नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव के लिए हमें यहाँ पर चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर जो वर्ब्स है ये तो मेन वर्ब हो गया, अब यहाँ पर हमें गिवन ही नहीं है, हमें यहाँ पर गिवन ही नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब, तो हम यहाँ पर क्या लिखें? अब आपको पता होगा जो सिंपल टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो उसके अंदर डू, डज, डिड जो वर्ब हैं वो छुपी होती हैं। तो यहाँ पर डू, डज या डिड में से कोई आएगा वर्ब। अब यहाँ पर डू आएगा या डज आएगा ये बताइए? अब यहाँ पर आएगा डज। डज क्यों आएगा? क्योंकि जो राम है वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ पर डज आ गया। अब नोट क्यों लगा यहाँ पर? डजंट क्यों लगा? क्योंकि सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर आ गया डजंट। अब डजंट आ गया। अब यहाँ पर जो है हमें सब्जेक्ट लिखना है, और जो हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन ही लिखना है हमें। क्या लिखना है? प्रोनाउन ही लिखना है। तो जो राम का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? प्रोनाउन फॉर्म ही होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? डजंट ही। अब दोबारा से पढ़ते हैं। राम वर्क्स हार्ड पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव बनेगा। अब जो क्वेश्चन टैग है उसका फॉर्मेट क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो उसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब डू डज छुपी होती हैं, तो जो राम है, राम क्या है? राम जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर वर्ब आई, इसलिए हमें यहाँ पर डजंट लिख दिया। अब यहाँ पर हम सीधा राम को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमें यूज़ करना होता है क्वेश्चन टैग में, वो सब्जेक्ट मस्ट बी इन प्रोनाउन फॉर्म। सो राम का जो प्रोनाउन फॉर्म होगा क्या होगा? ही। तो डजंट ही इज द क्वेश्चन टैग। अब नेगेटिव क्वेश्चन टैग हो कैसे बनेगा? इफ़ द सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। इफ़ द सेंटेंस इज नेगेटिव देन द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप देखो, ही इज़ नॉट कमिंग टूडे। अब यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सोचो, ही इज़ नॉट कमिंग टूडे, तो नॉट आ गया, दैट मीन्स जो ये सेंटेंस है ये नेगेटिव है।
नेगेटिव है या नहीं है। तो जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो रूल क्या कहता है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ नोट नहीं लगेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना है। अगर हम नोट जोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन आएगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ करना होता है क्वेश्चन टैग में हमेशा। तो अब यहाँ पर हमें ऑक्सिलरी वर्ब गिवन है इज़, तो यहाँ पर सीधा हमने उठाया इज़ और यहाँ रख दिया। और यहाँ पर हमें जो ऑलरेडी प्रोनाउन गिवन है, ही जो प्रोनाउन ही होता है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है ऑलरेडी प्रोनाउन में ही गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पर हम ही लिख देंगे। तो ही इज़ नॉट कमिंग टुडे, इज़ ही बोल दिया, तो ये जो इज़ ही है ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बन गया। नाउ अब अगर सिर्फ और सिर्फ नोट ना देकर ये सारे अगर वर्ड्स देता है तो भी जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव ही होगा। अब वो कौन से वर्ड्स हैं, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, नोबडी, नीदर, नन। मेरे पीछे पीछे बोलो, अभी तुरंत याद हो जाएंगे। हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, नोबडी, नीदर, नन। ये जितने वर्ड्स हैं ये सारे के सारे अगर किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं तो वो जो सेंटेंस है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव बन गया तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमारा रूल है, बेसिक रूल है ये क्वेश्चन टैग का। 90% क्वेश्चन इसी रूल से सॉल्व होंगे, क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, अब यहाँ पर हमारा सेल्डम आ गया, तो जो ये सेंटेंस है ये क्या बन गया, जो ये सेंटेंस है ये नेगेटिव बन गया। जब ये सेंटेंस ही नेगेटिव बन गया तो ये जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पर हमें देखोगे आप ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स दे ही नहीं रखी हैं। जब हमें ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स दे ही ना रखी हो तो हमें सीधा माइंड में हिट करना चाहिए कि डू डज डिड का यूज़ होगा। डू डज कब यूज़ होगा, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस है। डिड यूज़ होगा जब पास्ट में अगर सेंटेंस है, क्योंकि आगे एक रूल में आपको समझाऊंगी, क्लियर हो जाएगा। अब जैसे अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अब यहाँ पर अ बार्किंग डॉग है तो यानी एक डॉग की बात हो रही है, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो डज होगी, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। नोट नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव है। देन बार्किंग डॉग के लिए हम इट का यूज़ कर देंगे। किसका यूज़ कर देंगे, इट का यूज़ कर देंगे, तो डज इट। अब आगे एक और एग्जांपल से समझते हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट, अभी आगे रूल आएंगे उसके अंदर आपको पता चलेगा। नोबडी, समबडी, एनीबडी, जो ये सारे के सारे बड़ी वाले होते हैं, इनके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होता है इनकी जगह पर, जो सब्जेक्ट यूज़ होता है वो दे यूज़ होता है। और जब दे यूज़ होगा तो दे के साथ ऑटोमेटिकली जो वर्ब है वो आर आएगी। आर क्यों आएगी, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन केस हो जाता है, मैं आगे आपको समझाऊंगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और नेक्स्ट रूल जो है इसका, क्वेश्चन टैग का। अगर सेंटेंस हमें, और सेंटेंस और क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन सेम टेंस। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट होगा। सेंटेंस अगर फ्यूचर टेंस में है तो क्वेश्चन टैग भी फ्यूचर होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ही इज़ कमिंग। अब यहाँ पर ही इज़ कमिंग, पहले बताओ ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर इज़ का सीधा सीधा इज़ उठा के इज़न्ट लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया ही। दैट मीन्स अगर सब यहाँ पर ये इज का इज इसलिए उठाया क्योंकि जो सेंटेंस है और जो क्वेश्चन टैग है वो दोनों के दोनों एक ही टेंस में होंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। यू वेंट टू स्कूल टुडे, अब वेंट है वर्ब की सेकंड फॉर्म और यही मेन वर्ब है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, दैट मीन्स यहाँ पर डिड का यूज़ हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस है ये, क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में डिड छुपा होता है, दैट मीन्स यहाँ पर डिड आएगा, डिडंट यू, क्योंकि जो सेंटेंस है वो क्या है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। और ये है कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में है, तो जो क्वेश्चन टैग है वो भी पास्ट टेंस में ही बनेगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमने डिडंट उठाया और यहाँ से पूरी सब्जेक्ट एज इट इज़ उठाकर यहाँ रख दिया। तो ये क्या हो गया है, अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा तो सॉरी सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। और क्वेश्चन टैग और जो सेंटेंस है वो दोनों के दोनों एक ही टेंस में होने चाहिए।
थैंक यू सो मच।